तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले छुईखदान थाने के पदस्पद ASI पर नाबालिग के दुष्कर्म और जलाकर मारने की कोशिश का आरोप लगा है। मामले की शिकायत पीड़िता की मां ने थाने में की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी ASI नरेंद्र गहीने को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। स्थानिक लोगों का आरोप है कि पुलिस आरोपी ASI को मीडिया से बचाने की कोशिश कर रही। पुलिस ने मीडिया से दूरी बनाते हुए आरोपी ASI की गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। दरअसल जिले के छुईखदान थाने में पदस्पद एक ASI पर नाबालिग के दुष्कर्म और जलाकर मारने के प्रयास का संगीन आरोप लगा है। वही मामला सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। नाबालिग पीड़िता की मां ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। CWC के समक्ष बयान के बाद आरोपी ASI को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पुलिस द्वारा जेल भी भेज दिया गया है। पीड़िता की मां ASI के घर खाना बनाने का काम करती थी। महिला का आरोप है कि 15 साल की नाबालिग बेटी कई बार उसके साथ ASI के घर आई थी। इस दौरान ASI ने नाबालिग को झांसे में लिया और दुष्कर्म कर जलाने कर मारने का प्रयास किया। वही पीड़िता की मां ने इस पूरे मामले की शिकायत छुईखदान थाने में की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ASI के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ASI द्वारा इस घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता की मां ने FIR दर्ज कराई है, लेकिन मीडिया को आरोपी ASI के दूर रखा जा रहा है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे जेल भी भेज दिया है।